थाना सिंभावली पुलिस ने महिला के ब्लाइंड मर्डर की घटना का किया खुलासा। महिला की हत्या की घटना में संलिप्त मुख्य हत्यारोपी सहित दो शातिर आरोपियों को किया गिरफ्तार। मुख्य आरोपी पर था 25,000 रुपए के इनाम। जमीनी विवाद व अवैध संबंधों के चलते की गई थी महिला की हत्या। पुलिस को आरोपियों के कब्जे से घटना में 20,230 रुपए नकदी, आला कतल अवैध हसलहा मय जिंदा व खोखा कारतूस व घटना में प्रयुक्त महिंद्रा XUV 300 कार बरामद। हापुड़ से संवाददाता दीपक कश्यप की खास रिपोर्ट। दो आरोपी, क्या मामला है? देखिए, दिनांक 25 दिसंबर को थाना सिंभावली क्षेत्र में कुरलिया ग्राम में एक अज्ञात महिला का शव मिला था। इसमें इन्वेस्टिगेशन जब की गई तो इस शव की जो पहचान है वो गीता देवी नामक महिला से हुई, एज जिसकी लगभग 49 साल, और गाजियाबाद की महिला रहने वाली थी। जब इसमें और इन्वेस्टिगेशन फर्दर की गई तो उसमें दो लोग का नाम सामने आया जिसको आज पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिनके नाम बिजेंदर उर्फ बिरजू है और शकील पुत्र शब्बीर है। ये दोनों ही जनपद गाजियाबाद के रहने वाले हैं। बिजेंदर उर्फ बिरजू जो है वो पिछले लगभग 1.5 साल पहले ही जेल से छूट करके आए हैं और इनके ऊपर कई सारे गंभीर धाराओं में पहले से ही अभियोग पंजीकृत हैं, जिसमें मर्डर में भी ये पहले जेल जा चुके हैं, डकैती में जेल जा चुके हैं और ये भी गाजियाबाद के ही रहने वाले हैं। शकील जो है वो इनका केस बार है, एक साथ जेल में बंद हुए थे। ये मुकदमा प्रासंख्या 142/17 है जिसमें ये लोग साथ में जेल में बंद हुए थे दिल्ली में। इन्होंने पूरी घटना के बारे में जब इनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि जो महिला है उसके पति लगभग 8-9 महीने पहले ख़त्म हो गए थे और इस महिला के साथ इसके अवैध संबंध डेवलप हो गए थे। ये जो महिला गीता देवी है इसके साथ इस महिला ने इनके साथ आपत्तिजनक हालत में कुछ वीडियो फुटेजेस अपने पास सिक्योर करके रखे हुए थे और इस बिरजू जो है इसमें बिजेंद्र बिरजू उनके घर में इनकी बेटी की जब शादी थी अभी हाल फिलहाल नवंबर में, तो ये महिला इनसे एक्सट्रॉशन करके लगातार इनसे पैसे की डिमांड करती थी तीन, और अब तक एक्सट्रॉशन करके बिरजू से इन्होंने लगभग इस महिला ने 4 लाख रुपए इससे ले लिए थे। क्योंकि इस पूरे प्रोसेस से ये तंग आ गए और इन्होंने सोचा कि अब और ये पैसे नहीं दे पाएंगे इस महिला को, तो इन्होंने ये पूरी घटना की पटकथा रची और इसमें इन्होंने साथ लिया शकील को, जिसमें इन्होंने शकील को 50,000 रुपये की सुपारी दी इस महिला को उसका मर्डर करने के लिए। 24 दिसंबर को इन लोगों ने महिला को साथ में एक साथ गाड़ी में बैठाया जनपद गाजियाबाद में और घुमाने के बहाने से लेकर के निकले हैं। वो गाड़ी जिसमें इस महिला को ले जाया गया था उस गाड़ी को भी कब्जे में ले लिया गया है। ये जो महिला है इस गाड़ी में गाजियाबाद से बैठती है और इसके बाद ये लोग इसको शराब पिलाते हैं। शराब पिलाने के उपरांत जब ये जनपद हापुड़ में आ जाती है इधर अंदर की तरफ, तो महिला टॉयलेट करने से बहाने टॉयलेट करने के लिए गाड़ी को रुकवाती हैं। तभी बिजेंद्र बिरजू और शकील दोनों ने ही इस महिला की तमंचे से गोली मार करके इसकी हत्या करी है और इस शव को वहां पे छोड़ करके ये लोग चले आए हैं। और इसके एवज में जो 30,000 रुपये थे वो शकील को इन्होंने बिरजू ने पेमेंट कर दिए थे। अभी लगभग 20,000 रुपये की और इनकी पेमेंट बची थी जो इनको करनी थी। तो इस तरीके से इस जो महिला है जिसकी अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी थी, दो गोली लगी थी, पुलिस के लिए काफ़ी चैलेंजिंग केस था और बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से इस घटना को इन्वेस्टिगेट करके इन दोनों अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। खास बात यह है कि बिजेंद्र बिरजू का नाम क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सामने आया तो कई बार गिरफ्तारी के प्रयास किए गए थे। इनके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था और जिसको पुलिस ने आज गिरफ्तार किया। सर, ब्लाइंड मर्डर था, पुलिस में आपके लिए कोई अवार्ड? जी बिल्कुल, ये ब्लाइंड मर्डर था और हमारी थाना की टीम को, जिन्होंने पूरी टीम को जिन्होंने केस इन्वेस्टिगेट किया, 10,000 रुपये का इनाम दिया।